हे फ्रेंड्स, क्या हालचाल। सो कभी आपने सोचा है कि दो फोन जिनकी कॉन्फ़िगरेशन एकदम सेम है बट प्राइजेस में काफी डिफरेंस होता है, एक महंगा होता है एक सस्ता होता है, ऐसा क्यों होता है? नहीं सोचा है तो सोचिए, एंड तब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड वीडियो के अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो थम्स अप देना मत भूलिएगा। सो फिलहाल मुझे जस्ट कॉल आया आज मॉर्निंग में, एंड मेरे एक फ्रेंड ने पूछा कि यार सैमसंग आपका जो M33 है एंड A33 है दोनों के कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, आई मीन ऑन पेपर जो आपका यू नो प्रोसेसर एंड एवरीथिंग इज सेम, ब्रांड भी सेम है, बट डिफरेंस ज़्यादा है। जो आपका M33 है इट्स सेलिंग फॉर 17,000 or 18,000 रुपीज़, जो A33 है इट्स सेलिंग फॉर 25,000 रुपीज़। एंड मैंने उनको बोला कि यू नो A53 भी अच्छा ऑप्शन है विच इज़ सेलिंग फॉर 30,000 रुपीज़ विद सिमिलर स्पेसिफिकेशंस, स्क्रीन साइजेस थोड़े डिफरेंट हैं एंड कैमरा मॉड्यूल्स थोड़े चेंज हो गए हैं। एंड शी वॉज लाइक हाँ ऐसा क्यों होता है? तो एंड फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन भरे हुए हैं अपने इंडियन मार्केट में। सैमसंग फैमिली में अगर हम उनकी A52 सीरीज़ देखें तो यू नो M52 हो गया, A52S हो गया एंड अभी A73 हो गया, ऑल कम्स विद योर स्नैपड्रैगन 778 चिपसेट एंड सिमिलर ग्राफिक्स, रैम भी जो है 6 to 8 GB सिमिलर है, यू नो कैमरा मॉड्यूल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, स्क्रीन साइजेस में यू नो 0.2 to 0.4 इंच का डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम, बैटरी भी ऑलमोस्ट सेम है सेम ब्रांड, बट यू नो A73 इज़ रिटेलिंग फॉर 45,000 रुपीज़, A52S नाउ इज़ रिटेलिंग फॉर अराउंड 27,000 रुपीज़, और जो हमारा M52 है वो 20,000 का बिकता है, तो ये डिफरेंस क्यों? एंड अगर हम एक नॉन सैमसंग फ़ोन की बात करें तो अभी रिसेंटली लॉन्च रेनो 8 प्रो हो गया विच कम्स विद डायनेस्टी 8100 चिपसेट, एंड वहीं पे रेडमी 50i हो गया जो कि अगेन सिमिलर चिपसेट के साथ आता है, सिमिलर कैमरा सेट्स भी हैं, साइज भी सिमिलर है, बट प्राइजेस में बहुत डिफरेंस है। रेनो 8 प्रो 45,000 रुपीज़, रेडमी 50i 25,000 रुपीज़, 26,000 रुपीज़, सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो चलिए इस गुत्थी को सॉल्व करते हैं, लेट्स एड्रेस दिस इशू एंड समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सो गाइस, जो हमारे मोबाइल फ़ोन होते हैं दे आर वेरी सिमिलर टू हमारा कंप्यूटर डेस्कटॉप जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा। सो जैसे डेस्कटॉप के अंदर एक प्रोसेसर होता है, ग्राफिक्स कार्ड होता है, मदरबोर्ड होता है, रैम होता है, स्टोरेज होता है, यू नो डिस्प्ले आई मीन मॉनिटर होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, वैसे ही मोबाइल फ़ोन के अंदर भी ये सारी चीज़ें होती हैं बट एक स्मॉल लेवल पे होती हैं। गाइस, जो इनका चिपसेट होता है काफ़ी स्मॉल होता है, सब कुछ काफ़ी मिनिएचर लेवल पे होता है, बट अगेन ऑल दोज थिंग्स आर अवेलेबल। एंड इफ़ यू नो योर कंप्यूटर्स यू हैव अ फेयर आइडिया कि प्रोसेसर्स के प्राइस सेम होते हैं बट रैम्स के प्राइस डिफरेंट होते हैं। अगर हम 8GB DDR4 की बात करें तो यू नो आपको 8GB DDR4 मार्केट में 3,000 का भी मिलेगा, 6,000 का भी मिलेगा, 8,000 का भी मिलेगा। सो प्राइस डिफरेंस करता है डिपेंडिंग कि उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, उसमें मटेरियल्स क्या यूज़ किए गए हैं एंड उसका परफॉर्मेंस कैसा है। सेम थिंग यू नो मदरबोर्ड्स के लिए हो गया या फिर हमारे जो मेन बोर्ड्स रहते हैं, एक मदरबोर्ड जो है लेट्स से आपका इंटेल या AMD प्रोसेसर के लिए यू नो 8,000 का आता है, वहीं दूसरा जो प्रोसेसर है मदरबोर्ड है सॉरी वो कुछ 24-25,000 रुपए का आता है विच इज़ टुवर्ड्स द टॉप एंड। सो और बीच में और भी बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब यू कैन लिटरली बाय अ मदरबोर्ड फॉर ईच एंड एवरी यू नो 1,000 रुपीज़ इंक्रीमेंटल प्राइस बैंड। सो 8,000 से 9,000 का भी मिलेगा आपको, 10 का मिलेगा, 15 का, 18 का, 19 का, 20, 22 सब का मिलेगा। तो सब में थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, अगेन वही परफॉर्मेंस, एक्स्ट्रा फीचर्स, बिल्ड क्वालिटी बेटर हो जाती है। तो हर एक कंपोनेंट के साथ गाइस ऐसा सीन रहता है मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया में, कंप्यूटर से रिलेटेड एरिया में। एंड हमारे जो मोबाइल फोन से दे आर ऑल्सो नाउडेज अ स्मॉल कंप्यूटर। तो हमारे मोबाइल फोन्स की बात करें तो अगेन रैम में डिफरेंस होता है, डिस्प्ले में डिफरेंस होता है। गाइस नाउ आप लोग बोलेंगे कि यू नो मेरा जो A23 है उसमें भी AMOLED डिस्प्ले है एंड A53 जो है उसमें भी AMOLED डिस्प्ले है। तो गाइज AMOLED डिस्प्ले में भी टाइप्स होते हैं, कैटेगरीज होती हैं, नॉट लाइक कि किसी भी डिस्प्ले के अगर आगे AMOLED लगाए तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे डिस्प्ले सेम परफॉर्म करेंगे, उसमें भी परफॉर्मेंस वेरिएशन होता है। लो क्वालिटी AMOLED भी होते हैं, AMOLED डिस्प्ले होते हैं, और हाई क्वालिटी AMOLED डिस्प्ले भी होते हैं। सेम आपका TFT के लिए, सेम आपका LCD के लिए, कोई भी डिस्प्ले उठा के ले लीजिए, उसमें यू नो सस्ते लो क्वालिटी वाले भी आते हैं और अच्छे हाई क्वालिटी वाले जो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं वो भी आते हैं। सेम चीज़ आपका मेन बोर्ड के लिए हो गया। अगर हम फोन्स की बात करें तो मेन बोर्ड्स आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट्स, यू नो
हमारे जो नॉर्मल 15-20 हज़ार के फ़ोन होते हैं, अगर उनका आप मदरबोर्ड चेंज कराने जाओ तो जो प्राइजेस आर 10-12,000 रुपीज़। ऑफकोर्स वो कस्टमर के लिए प्राइजेस है, कंपनी के लिए प्राइजेस डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो बल्क में ऑर्डर करते हैं, उनका अपना खुद का एक रिलेशनशिप होता है OEM मैन्युफैक्चरर्स के साथ, तो दैट्स डिफरेंट रेट। एंड देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट बाइंग अ चीप प्रोडक्ट, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है गाइस। एंड मार्केट लाइक इंडिया, जहाँ पे कि लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता है कि फोन का बिल्ड क्वालिटी कितना अच्छा है, आई एम नॉट सेइंग कि सबको फर्क नहीं पड़ता है, बट देन मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स को ये फर्क नहीं पड़ता है कि बिल्ड क्वालिटी कितना अच्छा हो, उसके मटेरियल जो यूज हुए वो कितने अच्छे हैं, ड्यूरेबल हैं। लोगों को ये चाहिए कि लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट जो हार्डवेयर है वो उनको सस्ते से सस्ते पॉइंट में चाहिए, तो फिर डिमांड है तो सप्लाई आएगी, और जब सप्लाई लेके आना है तो कंपनीज को कॉस्ट कट करना पड़ेगा। इन कॉस्ट कट कैसे करेंगे, दे विल डू कॉस्ट कट ऑन दोज एरिया जो कि दिखाई नहीं देते हैं, जिसके बारे में कस्टमर्स को पता नहीं है, तो आपके मेन बोर्ड हो गए, रैम हो गए, डिस्प्ले के जो टाइप हो गए, फिर जो कनेक्टर्स होते हैं दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो हो गए, बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हो गई, जो आपकी बैटरी है गाइज। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि मेरा भी लिथियम आयन 5000 mAh बैटरी है, मेरे फ्रेंड के फ़ोन में भी लिथियम आयन 5000 mAh बैटरी है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है गाइज? जो सेल्स होते हैं बैटरी के अंदर, जो कंपोजिशन होता है, इट वेरीज अ लॉट। इसीलिए बैटरी बैकअप, परफॉर्मेंस, हीटिंग, सब इशूज़ हर एक फ़ोन के डिफरेंट होते हैं। सो रिमेंबर दिस, जो फ़ोन के कॉम्पोनेंट्स होते हैं दे मैटर अ लॉट। अगर हम फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी, लॉन्जिविटी की बात करें, एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा बहुत सारे लोगों के डिस्प्ले ख़राब हो जाते हैं, बैटरी चार्ज होना बंद हो जाता है, फ़ोन सडनली सेफ मोड्स में चले जाते हैं, रीबूट होने लगते हैं। ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर गाइज रिलेटेड टू सब पार कॉम्पोनेंट्स यूज्ड इन अ मोबाइल फ़ोन, याद रखिए। ऑफकोर्स आईफोन्स भी ख़राब होते हैं, गूगल पिक्सल या सैमसंग के एस सीरीज़, S22 अभी जो चल रहा है, वो फ़ोन्स भी ख़राब होते हैं, बट उनमें जो फेलियर रेट है इट्स वेरी लो बिकॉज द कंपोनेंट्स यूज्ड आर गुड। बट देन जो चीप फोन्स होते हैं उसमें कंपोनेंट यूज्ड आर ऑफ लो क्वालिटी, इसलिए फेलियर रेट्स भी ज़्यादा होते हैं। सो अगेन एक ओल्ड सेइंग है, यू गेट व्हाट यू पे। फ़ोन लेते समय ये भी ध्यान रखिए, सिर्फ टोटली स्पेक शीट पे फोकस मत करिए, ये भी देखिए कि कौन से फ़ोन्स अच्छे हैं, कौन से नहीं हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हो। अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं तो अगर हम सैमसंग की बात करें, वन ऑफ द बिग मैन्युफैक्चरर, तो उनके जो ए सीरीज़ फ़ोन होते हैं दे आर बिल्ड गुड, दे आर इंटरनेशनल मॉडल, वो हर जगह बिकते हैं। सेम फ़ोन इंडिया में बिकता है, यूरोप में बिकता है, यूएस में बिकता है, जापान में बिकता है, साउथ कोरिया में बिकता है, नॉर्थ कोरिया में आई डोंट नो बिकता है कि नहीं। तो उनकी बिल्ड क्वालिटी इज़ डेफिनेटली अ लॉट बेटर देन एम सीरीज एंड एफ सीरीज, जो कि इंडिया स्पेसिफिक मॉडल्स हैं, वो कहीं और नहीं बिकते हैं, सिर्फ इंडिया एंड सब कॉन्टिनेंट में बिकते हैं, आजू बाजू के जो पड़ोसी देश हैं हमारे वहाँ पे बिकते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे और भी जो जैसे जो चाइनीज़ ब्रांड हैं आपके ओप्पो, वीवो, शाओमी, उनके बहुत सारे चीप फोन्स अवेलेबल हैं, तो उनसे कम्पीट करने के लिए सैमसंग का एक स्ट्रैटेजी है कि एम सीरीज एंड एफ सीरीज, जो स्पेशली कट डाउन ऑन द कॉस्ट वेर एवर पॉसिबल एंड कम्पीट ऑन अ प्राइस विद दीज ब्रांड्स। तो ये हो गया। अगर हम चाइनीज़ ब्रांड्स की भी बात करें, तो शॉमी की बात करें, तो जो शॉमी के जो MI सीरीज़ पहले आते थे या फिर जो फ़ोन हैं जो ब्रांड, वो एक्सपेंसिव होते हैं, बट देन दे आर बिल्ड गुड। सेम वन प्लस के फ़ोन्स आर बिल्ड गुड। फिर अगर पोको के जो हायर एंड फोन्स हैं दे आर बिल्ड गुड, जो लोअर एंड फोन्स हैं अगेन कॉस्ट कटिंग चीप, तो उनकी भी क्वालिटी थोड़ी लो रहती है। रेडमी फ़ोन्स अगेन लो क्वालिटी। फिर आपके ओप्पो के भी जो थोड़े हायर एंड फ़ोन्स होते हैं, एक्सीरीज फ़ोन्स, दे हैव अ डिसेंट बिल्ड क्वालिटी, बट देन जो लो बजट फ़ोन्स हैं गाइज, उनके बिल्ड क्वालिटी या जो कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं उसके बारे में वी कांट रियली से कि कितने अच्छे होंगे। सिमिलर विद ऑल अदर ब्रांड्स, जनरली जो एक दो ब्रांड जो अपने सारे फ़ोन्स ऑलमोस्ट ठीक ठाक बिल्ड करते हैं, उनकी अगर मैं बात करूँ तो एक आपका नोकिया हो गया, मोटोरोला हो गया, वन प्लस, वॉट एल्स, आई गेस बजट ब्रांड्स में अभी मेरे पास यही कुछ ऑप्शंस याद आ रहे हैं मुझे, जिनके कि ऑलमोस्ट सारे के सारे फ़ोन्स आर डिसेंटली स्पेक एंड कॉम्पोनेंट्स जो है डिसेंट यूज़ करते हैं, दैट्स वाई दीज फोन्स आर लिटिल मोर एक्सपेंसिव देन देयर काउंटरपार्ट, जो अदर राइवल ब्रांड्स के जो फ़ोन हैं जो डायरेक्टली कम्पीट करते हैं उनसे थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए गाइस जब आप फ़ोन खरीदते हैं,
हमने देखा है कि सेम कैमरा सेंसर यू नो 10-12 फोन में यूज़ हो रहा है, एक 30,000 का आ रहा है, एक 12,000 का आ रहा है, एंड सबका जो यू नो फोटो क्वालिटी है डिफरेंट है। इट अगेन गाइज कि सेंसर तो सेम है बट आप उसको यूज़ कैसा कर रहे हो, उसके पीछे जो फोटोग्राफिक एल्गोरिथम है सेंसर के पीछे वो कैसा है, उसके ऊपर कंपनी ने कितना खर्चा किया है, कितना रिसोर्स यू नो लगाया है टू ऑप्टिमाइज दैट थिंग। सो लॉट ऑफ थिंग्स मैटर। सो यू नो ऑलवेज ट्राई टू गेट the well-built, best quality phone for your money, whatever your budget is. So that's it from this video, guys. I just wanted to clear out these few points. Normally, लोग confused हो जाते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में सस्ता वाला फ़ोन खरीद लेते हैं, and then उनमें से काफ़ी सारे लोग बाद में regret करते हैं shit या फिर simply brand को गाली देते हैं, they don't even realize कि problem कहाँ पर है, कि खराब है, ये है, वो है, and you know they don't realize ki kuch hazar rupaye bachane ke chakkar mein they are having all these troubles. So keep that thing in mind. Aur koi doubt ya question hai aapko, you know, phone se related, smartphone se related, you can write them in comment section. We will try to answer them as soon as possible. And again, video pasand aaya to thumbs up dena mat bhuliye, click on that red subscribe button, share it with your friends and family. I'll see you soon. Till then, take care, bye.